गुलरिया थाना क्षेत्र के बटट में मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की एक जीप को फूंकने और चौकी में घुसकर तोड़फोड़ किया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। एक दरोगा को भी घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत जुलूस में शामिल एक ताजिया के बिजली के तार से छू जाने से हुई, जिसमें करंट आने से एक युवक झुलस गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने भटट पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। इसमें चौकी पर तैनात दरोगा दिलीप कुमार चौधरी, होमगार्ड ओम प्रकाश सिंह के सिर में चोट आई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को काबू में किया और ताजियों का काफिला कर्बला की तरफ रवाना कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। छोटा वाला उठाते लाइए। करीबन 4:30 के बीच में थाना गुलरिया में भटट चौकी के पास में ही अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई कि ताजिए में करंट लग गया था, जिसके कारण वहां पर जो लोग थे आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद उन्होंने पथराव किया और एक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि थाने की भी जो चौकी की भीड़ है उसके अंदर भी आग लगाई थी और जो इसके अंदर दो पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको ट्रीटमेंट लेके गए। अभी उनकी स्थिति सामान्य है। यहाँ से ताजिया जो है वहाँ से जो अपने गंतव्य स्थान है वहाँ पर लेके गए। तत्काल अधिकारी के मौके पर पहुँचे। अभी स्थिति यहाँ पर पूरी तरह सामान्य है और जो भी पुलिसकर्मी दोषी है उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी।